नमस्कार प्रिय साथियों स्वागत है आपका इस वीडियो में दोस्तों आज इस वीडियो में हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में बात करेंगे जानेंगे कब और क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस और दोस्तों आम आदमी का एक वोट ही सरकार को बदल सकता है और पूरे देश की भविष्य तय कर सकता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में बात करते हैं दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए भारत सरकार ने प्रतिवर्ष पच्चीस जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया जाता है भारत निर्वाचन आयोग का गठन दोस्तों पच्चीस जनवरी 1950 पचास को हुआ था भारत सरकार ने राजनीतिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस पर यानी कि पच्चीस जनवरी को वर्ष दो हज़ार से राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में और जानते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने के पीछे निर्वाचन आयोग का उद्देश्य अधिक मतदाता विशेष रूप से नए मतदाता बनाना है इस दिवस पर मतदान प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता का प्रसार किया जाता है निर्वाचन आयोग एक स्वतः संवैधानिक प्राधिकरण है एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है निर्वाचन आयोग किस टाइप का प्राधिकरण है तो दोस्तों स्वेत्ता संवैधानिक प्राधिकरण है और बात करते हैं दोस्तों निर्वाचन आयोग के बारे में निर्वाचन आयोग जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रिया के संचालन हेतु उत्तरदायी है यह निकाय भारत में लोकसभा राज्यसभा राज्य विधानसभाओं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है भारत निर्वाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था किंतु वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त शामिल हैं दोस्तों ये निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ जानकारी थी राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कैसी लगी दोस्तों आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरा बताना अगर दोस्तों आपको ऑफ़लाइन कोचिंग करनी है तो सर्वोपरि एकेडमी नाम से हमारा कोचिंग सेंटर है लक्सर में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए धन्यवाद